नमस्ते स्टूडेंट्स, आज हम हमारे बीए सेकंड ईयर स्वयं की समर्थ विषय में जो हमारा टॉपिक है अनुप्रेरणा, उसी को कंटिन्यू करेंगे। शिक्षा में अनुप्रेरणा रुचि उत्पन्न की जाती है जिसमें में इस प्रकार की जहां पर बालकों में पढ़ने की रुचि तो है, परंतु देह का अनुभव वे उनका अनुभव नहीं करते, वे उनका अनुभव नहीं करते, वहां प्रेरणा के द्वारा
यह अनुभव कराया जाता है। इसके अभिप्रेरणा द्वारा विशिष्ट पाठ्यचर्याओं के प्रति छात्र छात्राओं की रुचि तो ये अभिप्रेरणा के संदर्भ में थॉमसन की परिभाषा है। इस परिभाषा को समझ लिया हम समझ जाएंगे कि अभिप्रेरणा का शिक्षा में किस तरीके से महत्व प्रदान किया गया इसको हमको समझ। जैसा कि अभिप्रेरणा एक कला है, कला हम समझते हैं आर्ट, ठीक है। अभिप्रेरणा एक कला है, इसके द्वारा उन छात्र छात्राओं में पढ़ने के प्रति रुचि उत्पन्न की जाती है। पढ़ने के प्रति रुचि उत्पन्न क्योंकि छात्र जो इस प्रकार की रुचि का अभाव है, वे बालक जिनमें पढ़ने में रुचि नहीं होती, इंटरेस्ट नहीं होते, पढ़ना मतलब कमजोरी होती है, इन बालकों ऐसे बालकों में हम पढ़ने के प्रति रुचि इंटरेस्ट को क्रिएट करते हैं अभिप्रेरणा के माध्यम से, जिनमें इस प्रकार की रुचि का अभाव है। जहां पर बालकों में पढ़ने की रुचि तो है, हम देखते हैं जहां बालक पढ़ने में रुचि तो रखते हैं परंतु वे उनका अनुभव नहीं करते, वह अभिप्रेरणा द्वारा यह अनुभव कराया जाता है। पढ़ने में रुचि है अनुभव नहीं है तो अभिप्रेरणा के माध्यम से उनको इस की बातों का अनुभव भी कराया जाता है। दोनों बात आ गई, जहां बालकों की पढ़ने में रुचि नहीं होती ऐसे बालकों को अभिप्रेरणा के माध्यम से पढ़ने में रुचि उत्पन्न कर सकते हैं, और जिन बालकों को पढ़ने में रुचि तो है लेकिन अनुभव नहीं है ऐसे बालकों को अनुभव भी कराया जाता है। तो अनुभव कराया जाता है। इसके अतिरिक्त अभिप्रेरणा द्वारा विशिष्ट पाठ्यचर्या प्रति छात्र की रुचि, कुछ विशिष्ट पाठ्यचर्या जो स्पेशल क्रेडिट हो सकते हैं, अलग से हो सकते हैं, ऐसे पाठ्यक्रम जो बालकों से बालक सहन नहीं पड़ता हो या उसकी रुचि नहीं हो, ऐसे पाठ्यचर्य के प्रति बालक की रुचि उत्पन्न की जाती है। कुल मिलाकर शिक्षा में पढ़ाई का बहुत अधिक महत्व है। बच्चों की पढ़ाई को आगे बढ़ाने के लिए, बच्चों को अच्छा शिक्षित बनाने के लिए, शिक्षा को सुपूर्ण करने के लिए अभिप्रेरणा के माध्यम से इसकी पूर्ति की जा सकती है। ये थी थॉमसन की परिभाषा अभिप्रेरणा के संदर्भ में। शिक्षा में पढ़ने का माध्यम पहला है सीखना, लर्निंग, सीखना। सीखने की दृष्टि से देखेंगे तो अभिप्रेरणा का अपना एक विशिष्ट महत्व है। सीखना, सीखने के लिए मोटिवेशन की आवश्यकता होती है। बच्चा कुछ सीखना चाह रहा है लेकिन नहीं सीख पा रहा है, कुछ कमियां उत्पन्न हो रही है, समस्याएं आ रही है या कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती है, इन प्रॉब्लम्स को मोटिवेशन के संदर्भ में कर सकते हैं। एक बच्चा बार बार पढ़ रहा है या हो सकता है बार बार एक कक्षा में फेल हो रहा है तो उसकी कई सारी कठिनाई आ सकती है। ऐसे बच्चों को मोटिवेशन के माध्यम से बताया जा सकता है कि किस तरीके से वो आगे बढ़ेगा और अपने आप को एक पोजिशन प्रदान कर सकता है। अगर उसको पढ़ने में दिक्कत आ रही है, सीखने में दिक्कत आ रही है तो ऐसे बच्चों को सिखाने के लिए भी मोटिवेशन का सहारा लिया जा सकता है। तो पहला है सीखना, दूसरा है
लक्ष्य प्राप्त। लक्ष्य हमारा टारगेट होता है, हमारा जो लक्ष्य होता है उस लक्ष्य को हम अभिप्रेरणा के माध्यम से प्राप्त करेंगे। एक बालक शिक्षा के माध्यम से अपने लक्ष्य की ओर अग्रसित होगा। आज वो किस क्लास में, उसका किस एरिया में इंटरेस्ट है उसको बताना, प्लस वो आगे जाकर क्या बनना चाहता है, मतलब कैसी जॉब करना चाहता है, उसका लक्ष्य क्या है, उसके माता पिता की अपेक्षाओं को अगर पूरा करना चाहता है तो वो किस तरीके से पूरा कर सकता है, इस तरीके से उसको उसके लक्ष्य तक पहुँचाने मोटिवेशन का सहारा दिया जाता है। जैसे मान लीजिए कोई बच्चा कुछ करना चाहता है, वो टीचर बनना चाहता है, लेकिन उसकी प्रेजेंटेशन थोड़ी सी वीक है, कमजोर है, तो ऐसे बालकों को मोटिवेशन के माध्यम से हम उसकी प्रेजेंटेशन स्किल यानी कि वो दूसरों के सामने अपनी बातों को कैसे रख सके, ये सब बातें मोटिवेशन सिखा सकते हैं और आगे कहीं ना कहीं भविष्य में जो टीचर बनता है तो इन कमियों को दूर अपने से पाएगा। इसके साथ ही हम देखेंगे कुछ बच्चों को पता नहीं होता है उनको भविष्य में करना क्या है, वो किस एरिए में जाएंगे, यानी उनको उसके बारे में अच्छे से नॉलेज नहीं होता, ऐसे बच्चों को उनके संदर्भ में हम बता सकते हैं कि वो क्या कर सकते हैं और अपने लिए बेहतर भविष्य कैसे निर्मित कर सकते हैं। इस तरह से लक्ष्य प्राप्ति में प्रेरणा सहायता करता है। तीसरा है चरित्र का निर्माण। बालकों में अच्छे चरित्र का निर्माण करने के लिए, अच्छा चरित्र बनाने के लिए भी, अच्छे आदर्शों का निर्माण करने के लिए मोटिवेशन का सहारा लिया जा सकता है। एक बालक हम कह सकते हैं शिक्षा के माध्यम से अपने आप को एक अच्छा और एक आदर्श नागरिक बनाता है, अपने राष्ट्र, अपने समाज, अपने परिवार के अनुसार एक अच्छा नागरिक बनाता है। तो शिक्षा के माध्यम से उसको हम सदाचार, आदर, ये सारी बातें सिखाते हैं, अच्छे अच्छे गुण सिखाते हैं, दूसरों के प्रति कैसी भावना रखनी चाहिए, ये सारी बातें सिखाते हैं। तो शिक्षा ही सारी बातें सिखाती है। तो हम कह सकते हैं कि अच्छे चरित्र निर्माण में हम मोटिवेशन का सहारा लेते हैं। कुछ बालकों का चरित्र अगर खराब है तो ऐसे बालकों को भी हम सुधार सकते हैं, बता सकते हैं कि वो अपने चरित्र को कैसे अच्छा बनाए, इसके लिए क्या करना है। ठीक है, अगला है अवधान। एक सफल शिक्षा के लिए यानी कि बालक को चाहिए कि उसका जो झुकाव है, उसका जो हम कह सकते अवधान है, हमेशा पाठ्य पुस्तक के बना रहे, शिक्षण की ओर बना रहे, इसीलिए हम मोटिवेशन अभिप्रेरणा का सहारा लेकर हम बच्चों को पाठ की ओर अग्रसित कर सकते हैं, उनको उसकी तरफ अवधान ला सकते हैं। अगला है से स्वयं की दृष्टि से अनुशासन रहना जरूरी है। तो अभिप्रेरणा के माध्यम से
शिक्षा में अभिप्रेरणा के महत्व को शिक्षा में अभिप्रेरणा का क्या महत्व है इसके बारे में आप लोगों को अपना सेकंड एस्पेक्ट थोड़ा सा समझ चल रहा है। सावधानी बरतिए, मास्क का प्रयोग कीजिए, सैनिटाइजर का पालन कीजिए, इसके साथ ही वैसे ध्यान